विस्तार न्यूज की खबर का बलरामपुर में बड़ा असर हुआ है। महावीरगंज में संचालित अवैध क्लिनिक को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। यहाँ पर दो क्लिनिकों को सील किया गया है। ये दोनों क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। डिंडो गांव में संचालित उषा चिकित्सालय में भी जांच टीम ने दबिश दी है। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इन अवैध क्लिनिकों के खबर को दिखाया था। लगातार तस्वीरें और खबरें ऐसी सामने आती हैं कि इन अवैध क्लिनिकों में झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, गलत इलाज कर देते हैं, मरीजों की मौत हो जाती है, उसके बाद चुपचाप ताला जड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। दो अवैध क्लिनिकों को सील किया गया है। डिंडो गांव में संचालित उषा चिकित्सालय में भी जांच टीम ने दबिश दी है, यहां पर भी सील किया गया है। महावीरगंज में संचालित हो रहे थे तमाम अवैध क्लिनिक, अब इस पर कार्रवाई हुई है। नंद कुमार कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। नंद, लगातार ये खबरें तो आती ही रहती थी कि इन अवैध संचालित क्लिनिकों से लापरवाही की तस्वीरें आ रही है, मरीजों की मौत हो जा रही है, खबर दिखाई हमने, अब असर हुआ है उस पर। भारत, मैं आपको इस मामले में बताना चाहूंगा कि ये अवैध बलरामपुर जिले में अवैध क्लिनिक पे एक बड़ा कार्रवाई किया गया है। जहाँ कुछ पैसों को सील किया गया वहीं पे हमने एक प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसमें उषा क्लिनिक के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक आदिवासी समाज जो थे वो धरने पे बैठ गए थे। और इस कार्रवाई के बाद ये खबर दिखाने के बाद यह कार्रवाई देखा जा रहा है कि जहां प्रशासन की ओर से अभी दो पैथोलॉजिस्ट को सील किया गया, वहीं उषा क्लिनिक पे प्रशासन की टीम दबिश दी है।